Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है वन प्लस का 11 और आप इस फोन के अंदर अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप इस फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है उसकी क्वालिटी आप चेंज करना चाहते हैं, सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चलेगा। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आपका कंट्रोल पैनल आपको कुछ इस तरह से ओपन करना है, यहाँ साइड कर लेना है। यहाँ देख सकते हो आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब आपको ओके करना है, इस पर टैप एंड होल्ड करके रखना है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पर आपको ऑन मिलेगा रिकॉर्ड सिस्टम साउंड। अगर ये ऑन रहेगा तो फोन के अंदर जो भी आवाज आएगी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब आप ये चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, तो लास्ट में जो ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इसको ऑन कर दीजिए। तो आप जो बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, फोन के अंदर चलेगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। डेफिनेशन का ऑप्शन जब आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वो सेट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। वापस आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखने को मिलेगा शो स्क्रीन टचेस। ये फीचर ऑन रहेगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कहाँ कहाँ आपने टैप किया वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो वो पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करना है तो अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करके साइड कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक कीजिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको एक्सेप्ट करना है, अलाउ करते जाइए सभी के लिए। आपका स्क्रीन रिकॉर्डर कुछ इस तरह से स्क्रीन पर खुल जाएगा, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करा के आप ऑन कर सकते हो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। एक अमेजिंग फीचर आपको यहाँ पे इस फोन में ये देखने को मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते ही समय बीच में से ही आप किसी भी ऑडियो को स्विच कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते बीच में कहीं कहीं जगह पर आपकी जो ऑडियो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप कौन सी ऑडियो को नहीं रिकॉर्ड कराना चाहते किसी टाइम वो यहाँ आके आप बंद कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पुश भी कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप इस तरह से रख सकते हैं। सेव करने के लिए आपको रेड के ही आइकन पर क्लिक कर देना होगा, तो आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।